Greetings everyone, I am Rocky Sharma, Certified Language Trainer, and in today's video we will discuss about the word still. हम still किन किन जगहों पे और कैसे यूज कर सकते हैं हम इस वर्ड के बारे में जानेंगे. It means that something is ongoing, it hasn't finished, particularly when it was expected to finish earlier. मतलब कोई ऐसी चीज जो अभी भी चल रही है जिसका हमें ये आशा थी कि ये पहले खत्म हो गई होती, बट वो खत्म नहीं हुई है और अभी भी चली जा रही है. सो वैसे सिचुएशंस में उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उन सिचुएशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम स्टिल वर्ड का यूज करते हैं. जैसे द बेबी इज स्टिल स्लीपिंग, अभी तक बेबी सो रहा है, अभी तक भी बेबी सो रहा है, जबकि 2 से 3 घंटों से ऊपर हो गया, अभी तो उसको उठ जाना चाहिए था, बट बेबी अभी भी सो रहा है. द बेबी इज स्टिल स्लीपिंग. आर यू स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी, क्या आप अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं? मे बी यू नो इट हैज बीन मोर देन 4-5 इयर्स एंड द पर्सन इज स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी अनदर वोकैबुलरी वर्ड. क्यूरियोसिटी मींस एकदम यू नो जिज्ञासा जानने की. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कोई किसी से पूछता है आर यू स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी. सो क्यूरियोसिटी का स्पेलिंग CURIOSITY, नोट डाउन कीजिए इसको. क्यूरियोसिटी मेरे को जिज्ञासा है जानने की, यू नो क्यूरियस होना, उसको हम क्यूरियस बोलते हैं. लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक. स्टिल, आई एम स्टिल डूइंग माय वर्क, मैं अभी भी अपना काम कर रही हूं. मतलब कि काम हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं है. सो आई एम स्टिल डूइंग माय वर्क और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. नेक्स्ट, वी आर स्टिल वॉचिंग द मूवी. आपको कॉल आ रहा है आपके घर से, मम्मा बोल रहे हैं बेटा अभी तक आप घर नहीं पहुंचे, सो आप मूवी देख रहे हैं. मम्मा वी आर स्टिल वॉचिंग द मूवी, हम अभी भी मूवी देख रहे हैं. मतलब मूवी अभी तक खत्म नहीं हुई है. नेक्स्ट, वी आर स्टिल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. कोई पूछा हो मैं अभी तक आप ऊपर पहुंचे नहीं, अभी तक आप घर पहुंचे नहीं, नो वी आर स्टिल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. बहुत सारी सीढ़ियां होंगी और अभी भी हम सीढ़ियों में चले जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं. वी आर स्टिल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. I hope this video was informative. Do like and subscribe us. Thank you for watching.